नंबर 5 टाइज। आज के इस मॉडर्न एरा में टाई फॉर्मल ड्रेसिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं टाई शुरुआत से ही फॉर्मल ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं थी। और तो और टाई के शुरुआती दिनों में टाई आज के मॉडर्न टाई से बहुत अलग दिखती थी। असल में आज के करीब 200 साल पहले के जमाने में लोग ठंड से बचने के लिए अपनी गर्दन पर एक कपड़ा बांध लेते थे, बिल्कुल एक हैंडकरचीफ की तरह। इसके अलावा क्रोएशिया के सोल्जर्स भी जंग के दौरान अपनी गर्दन पर एक जैसा कपड़ा बांध लेते थे, जिससे वो जंग के मैदान में अपने सोल्जर्स की पहचान कर पाए। जबकि एक ऑफिशियल टाई को फ्रांस ने फ्रेंच वॉर के बाद इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त टाई को बस अपर क्लास के लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 4 लिस्टरीन। दोस्तों, इंडिया में ऑलमोस्ट 45% लोग लिस्टरीन माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लिस्टरीन एक माउथ वॉश से पहले क्या हुआ करता था? आपको जानकर शौक लगेगा कि लिस्टरीन को शुरुआत में एक फ्लोर क्लीनर की तरह मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको जर्म्स और इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, ठीक आज के डेटॉल लिक्विड की तरह ही। लेकिन फ्लोर क्लीनर के रूप में लिस्टरीन को मार्केट में हाई कंपटीशन की वजह से ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी और लिस्टरीन बुरी तरह से फेल हो गया था, जिस वजह से लिस्टरीन के मेकर्स ने इसके इंग्रेडिएंट्स को बदलकर इसे दोबारा से लिस्टरीन माउथ वॉश के रूप में रिलॉन्च कर दिया, जिसे असल में लोगों ने बहुत पसंद भी किया। नंबर 3 कोका कोला। कोका कोला ड्रिंक का नाम आज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन क्या आपको पता है कोका कोला को क्यों और किसने इन्वेंट किया था? चलिए हम आपको बताते हैं। कोका कोला को जॉन पेमर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट ने इन्वेंट किया था। असल में दोस्तों, जॉन पेमर्टन ने कोका कोला ड्रिंक को यूएस सिविल वॉर खत्म होने के बाद इन्वेंट किया था। सिविल वॉर के बाद जॉन को मॉर्फिन यानी अफीम पेन किलर की लत लग गई थी। जॉन ने इस ड्रिंक को मॉर्फिन के एडिक्शन को कम करने के लिए बनाया था। उस जमाने में जंग से लौटे हुए लोगों को अक्सर मॉर्फिन यानी अफीम की लत लग जाती थी। जॉन पेम्बर्टन ने कोका लीव से एक ड्रिंक को इन्वेंट किया, जिसका नाम उन्होंने पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोका रखा था, जिसके लगभग 2 दशकों बाद ये ड्रिंक काफी मशहूर हो गई थी। और इस पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोका में कुछ बदलाव किए गए, जिसके बाद इसे कोका कोला का नाम दिया गया, जिसे आज हमारे घरों में कैजुअली पिया जाता है। नंबर 2 WD-40। आज के मॉडर्न जमाने में WD-40 स्प्रे काम को आसान बना देता है, चाहे इसे बाइक पे इस्तेमाल करना हो या फिर किसी स्क्रू की जंग को हटाना हो, ये WD-40 हर जगह काम आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस WD-40 स्प्रे का इन्वेंशन क्यों किया गया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्प्रे को असल में World War II के दौरान इन्वेंट किया गया था। इसे असल में मिसाइल की आउटर लेयर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ताकि मिसाइल पर किसी भी तरह की जंग यानी कि रस्ट ना लगे। खैर, अब इतनी वॉर्स नहीं होती हैं और ना ही ऐसी लड़ाइयां होती हैं जिनमें इस स्प्रे को इस्तेमाल करके मिसाइल्स बनाई जाएं। और इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे WD-40 स्प्रे के दूसरे यूजेस को पहचानना शुरू कर दिया। यही वजह है कि WD-40 स्प्रे आज घर घर में पाया जाता है। नंबर 1 पैन हुक। पैन एक ऐसी कॉमन चीज है जिसे आप हर रोज एक बार तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे। आज तक आपको यही पता था कि पैन के इस हुक से आप पैन को अपनी पॉकेट या नोटबुक में लगाकर या अटैच करके रख सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पैन के इस हुक से आप कोल्ड ड्रिंक के कैप को खोल सकते हैं? पर दोस्तों, इस तरह पैन की कैप से ढक्कन खोलना आसान नहीं होता है, बल्कि इसकी एक ट्रिक होती है। हुक से कैप को खोलने के लिए आपको पैन के हुक के नुकीले हिस्से को कोल्ड ड्रिंक के कैप के नीचे रखकर उसे ऊपर की तरफ पुल करना होता है। आपको बता दें कि बहुत कम लोग ही इस तरह से ढक्कन को खोल पाते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।